सो ड्रैगन बॉल सुपर 2 एक ऐसे एनिमे का सीक्वल जिसका इंतजार यहाँ पे ड्रैगन बॉल सुपर फैंस लगभग 6 सालों से करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पे लोगों को बस ये जानना है कि ड्रैगन बॉल सुपर 2 एनिमे आएगा या नहीं, या फिर अगर आएगा तो कब तक आएगा। सो इसी को लेकर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। और इसके साथ ही मैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के बारे में हम लोग कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जानना है कि सोलो लेवलिंग का सीजन 2 कब तक आएगा, तो इसको लेकर भी आज मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा। इसलिए आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना होगा। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एनिमे के बारे में बात करें जो इस साल के स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था, और इस एनिमे के आने के बाद यहाँ पे इसने बड़े बड़े एनिमेज को बीट कर दिया। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने सोलो लेवलिंग के बारे में, जिसको लेकर भी आप लोगों का हमेशा सवाल रहता है कि आखिरकार इसका सीजन 2 आएगा कब। तो इसी को लेकर आप लोग याद होगा कि हम लोग को लास्ट टाइम सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एक न्यू ट्रेलर भी देखने मिला था, जिसको लेकर बस हमें इतनी अपडेट मिली थी। और रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट के नाम पर बस कमिंग सून दिखा दिया गया था। बट जहां तक बात करें इसके प्रोडक्शन के बारे में, इसका प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, तो एक्चुअली में सोलो लेवलिंग का प्रोडक्शन काफी सही जा रहा है। मतलब हाल फिलहाल में एक न्यूज आई थी जहां पे सोलो लेवलिंग एनिमेशन के जो प्रोड्यूसर है उन्होंने बताया कि सोलो लेवलिंग के सेकंड सीजन की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। और इसका मतलब आप लोग जानते हो कि ये कितनी बड़ी बात है। यहां पे ब्लिस 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर का पार्ट 3 जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है, तो उसकी रिकॉर्डिंग अब जाके कंप्लीट हुई है। और यहां पे सोलो लेवलिंग के सेकंड सीजन की रिकॉर्डिंग कुछ टाइम पहले ही एंड हो गई। तो यहां पे इससे पता चलता है कि जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा हेल्दी जा रहा है। तो इसका मतलब हम लोगों को एनिमेशन के अंदर और भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। बट साथ में क्या मैं आप लोगों को कहूँ कि यहाँ पे सोलो लेवलिंग सीजन 3 का भी काम चल रहा है। और हाँ, यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सोलो लेवलिंग की ह्यूज सक्सेस के बाद जो अपना A1 पिक्चर्स है वो यहाँ पे इसके थर्ड सीजन के ऊपर भी अभी से काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमें सोलो लेवलिंग एनिमे प्रोडक्शन के जिनवू वर्सेस बेरू की फाइट का स्केच देखने मिला है। अब हालांकि जिनवू वर्सेस बेरू का फाइट स्केच हम लोग को देखने मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को ये सीजन 2 में ही देखने मिलेगा। यहाँ पे जो फाइट है वो बहुत दूर है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को ये सीजन 3 के अंदर ही देखने मिलेगा। बट यहाँ पे एक्चुअली में वो बात नहीं है, यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि सोलो लेवलिंग का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छा जा रहा है। और जब सीजन 2 दिखा दिया जाएगा तब यहाँ पे सीजन 3 की अनाउंसमेंट हो जाएगी। बट यहाँ पे पहले तो हमें सोलो लेवलिंग का सीजन 2 देखना होगा, और सीजन 2 कब आएगा उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे काफी सारे रिसोर्सेज अकॉर्डिंग सोलो लेवलिंग का जो सीजन 2 है वो हम लोगों को नेक्स्ट मंथ देखने को मिलता है। बट अभी तक कुछ ऑफिशियल अपडेट हमें जानने को नहीं मिली है, तो यहाँ पे कुछ कंफर्म होकर नहीं कह सकते कि सोलो लेवलिंग का सीजन 2 हमें इस साल देखने को मिलेगा भी या नहीं। लेकिन हाँ, सोलो लेवलिंग एनिमे का जो सीजन 2 है वो हम लोगों को अगले साल जनवरी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम सीजन 1 भी हम लोगों को जनवरी 2024 में ही देखने को मिला था। तो अगर एनीप्लेक्स वाले इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो सीजन 2 हमें जनवरी 2025 में देखने को मिलेगा। बट अगर आप लोगों को कोई ऑफिशियल अपडेट जाना है तो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे सोलो लेवलिंग के सेकंड सीजन की जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे एनीप्लेक्स के ऑनलाइन फेस्ट 2024 के अंदर रिवील की जाएगी, जो यहाँ पे होने वाला है 16 सितंबर के दिन, जहाँ पे ज्यादातर चांसेस है कि हम लोग को सेकंड सीजन को लेकर एक फुल ट्रेलर और साथ ही में इसकी रिलीज डेट भी जानने को मिल जाए। इसलिए अगर आप लोग को भी सोलो लेवलिंग का वो अपडेट मिस नहीं करना है तो आप लोग एक काम कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि जैसे ही सोलो लेवलिंग का अपडेट आएगा वैसे मैं आप लोगों को बता दूंगा। एंड इसके बाद अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में, जिसके सीक्वल का इंतजार यहाँ पे बहुत सारे एनिमे फैंस कई सालों से करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ड्रैगन बॉल सुपर 2 के बारे में, क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर का जो लास्ट एपिसोड था वो हमें लास्ट टाइम 25 मार्च 2018 को दिखाया गया था। और अब ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे के लास्ट एपिसोड को दिखाने के बाद अब करीब 6 साल बीत चुके हैं, और अभी तक ड्रैगन बॉल सुपर 2 का कुछ भी अता पता नहीं है। और यहाँ पे हो सकता है कि फ्यूचर में ड्रैगन बॉल का कोई सीक्वल आए भी ना। और आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, एक्चुअली में ड्रैगन बॉल की फ्रेंचाइज के अंदर काफी ज्यादा लफड़ा चल रहा है। और अगर आप लोग भी ड्रैगन बॉल के फैन हो तो आप लोग को ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस साल एनिमे इंडस्ट्री के अंदर काफी बड़ा लॉस झेलना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हम सभी के लेजेंड टोरियामा हमें छोड़ के चले गए। और अब उन्हीं के जाने के बाद यहाँ पे शुएशा और आकियो इयो के बीच में बहुत बड़ी बैटल चल रही है, जहाँ पे ये लड़ाई चल रही है कि किसको ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का पूरा कंट्रोल मिलेगा। उसी को लेकर यहाँ पे शुएशा और आकियो इयो के बीच में बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, जहाँ पे अगर आप लोग आकियो इयोकू के बारे में नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि ये वही इंसान है जिन्होंने ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी को प्रोड्यूस किया है, और एक तरह से आप इनको अकिरा टोरियामा सेंसे का राइट हैंड मैन भी समझ सकते हो, जो एक्चुअली में एज एडिटर ये काम करते थे पहले शुएशा के लिए, जहाँ पे शुएशा का एक डिपार्टमेंट था जिसका नाम था ड्रैगन बॉल रूम, जिसको एक्चुअली में ये लीड करते थे, जहाँ पे इस डिपार्टमेंट के अंदर ड्रैगन बॉल के फ्यूचर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे उनके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन चलता था। एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये चीज ज्यादा लंबे टाइम तक चल नहीं पाई, क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी के ऊपर जब काम चल रहा था तो एक्चुअली में क्या हुआ कि जो श्वेशा था वो चाहता था कि ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी के अंदर CGI टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, जिसके यहाँ
यहाँ पे सख्त खिलाफ थे अपने आकियों। वो एक्चुअली में कभी भी नहीं चाहते थे कि ड्रैगन बॉल के अंदर सीजी एनिमेशन का यूज किया जाए, बट उनके इतना मना करने के बावजूद भी यहाँ पे शुएशन ने फोर्स किया कि ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी के अंदर सीजीआई एनिमेशन को यूज किया जाए। और इसी रीजन की वजह से हमें ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी के अंदर 2D सीजीआई एनिमेशन देखने को मिला। और इसी के बाद से यहाँ पे शुएशा और आकियों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है, और यहाँ पे उनके आइडिया मैच ना होने की वजह से उन्होंने पिछले साल शुएशा से रिजाइन मार दिया, और रिजाइन मारकर इन्होंने खुद की एक कंपनी स्टार्ट कर दी जिसका नाम है कैप्सूल कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे मैं जो भी आप लोग बता रहा हूँ आकियो इयोको के बारे में, उनको लेकर आप लोग कुछ भी गलत मत समझना, क्योंकि आज जो ड्रैगन बॉल दाइमा का एनिमे आप लोग देख रहे हो वो भी इन्हीं की बदौलत आ रहा है, क्योंकि ड्रैगन बॉल दाइमा एनिमे का भी सजेशन 3 साल पहले इन्होंने ही दिया था शुएशा को। जहाँ पे एक बात बताऊँ तो ड्रैगन बॉल एनिमे को लेकर शुएशा बिल्कुल ही खिलाफ था, मतलब शुएशा चाहता ही नहीं था कि ड्रैगन बॉल का कोई एनिमे आए, लेकिन आकियो ने कहा कि ड्रैगन बॉल की 40th एनिवर्सरी आने वाली है तो इसी को लेकर एक स्पेशल एनिमे बनाना चाहिए, तो इसी बात पे यहाँ पे फिर शुएशा भी राजी हो गया। और आज के टाइम में हम लोगों को ड्रैगन बॉल दाइमा एनिमे देखने मिल रहा है। अब हालांकि ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज के राइट्स को लेकर जो यहाँ पे आकियो इयोको और शुएशा के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है वो भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आकियो इयोको नहीं चाहते हैं कि शुएशा यहाँ पे ड्रैगन बॉल एनिमे के साथ कुछ खिलवाड़ करे, इसलिए वो चाहते हैं कि उन्हें ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का फुल क्रिएटिव कंट्रोल मिले, क्योंकि आकियो एक्चुअली में टोरियामा सेंसे के साथ बहुत लंबे टाइम तक काम कर चुके हैं, और इसीलिए वो ड्रैगन बॉल के फ्रेंचाइज को टोरियामा सेंसे की नजर से देखते हैं, और इसी वजह से उन्हें ड्रैगन बॉल का फुल क्रिएटिव कंट्रोल चाहिए, जो ऑफ कोर्स श्वेशा देने के लिए राजी नहीं है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से ड्रैगन बॉल एनिमे का यहाँ पे कमबैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि फिलहाल के लिए अभी हम लोग कुछ भी कंफर्म होकर नहीं कह सकते कि ड्रैगन बॉल सुपर 2 एनिमे हम लोग को 2 साल बाद देखने मिलेगा, 3 साल बाद देखने मिलेगा। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ड्रैगन बॉल सुपर 2 का एनिमे 2030 में आए, और अगर ये लफड़ा और भी ज्यादा फ्यूचर में बढ़ जाता है तो यहाँ पे हो सकता है कि ड्रैगन बॉल सुपर 2 का एनिमे हम लोग को कभी ना देखने मिले, जो यहाँ पे ड्रैगन बॉल सुपर 2 के जितने भी एनिमे फैंस है उनके लिए काफी ज्यादा ही बुरी न्यूज है। बट एनीवेज मैं जानता हूँ कि आप लोग क्या कहोगे। यहाँ पे आप लोग कहोगे कि जंप फेस्ट 2025 के अंदर तो ड्रैगन बॉल को पैनल मिला है, तो उसके अंदर क्या हमें ड्रैगन बॉल को लेकर कुछ अपडेट जानने को मिलेगा? तो हाँ, अपडेट तो मिलेगा, बट एनिमे को लेकर शायद ही कुछ अपडेट मिले, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेस ने कहा है कि जंप फेस्ट के अंदर ड्रैगन बॉल के मांगा को लेकर न्यूज मिलेगी, मतलब मांगा कब रिटर्न करेगा, ड्रैगन बॉल की मांगा का क्या फ्यूचर होगा, वो मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को जंप फेस्ट 2025 के अंदर रिवील की जाएगी। अब हालांकि आपके हिसाब से ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज के राइट्स किसको मिलने चाहिए? क्या शुएशा को मिलने चाहिए या फिर टोरियामा सेंसे के राइट हैंड मैन आकियो इयोको को मिलने चाहिए? वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। और इसी के साथ यहाँ पे मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे सीक्वल का जो एपिसोड 2 है वो बस यहीं तक था, जहाँ पे आज हम लोगों ने फिर से 2 एनिमेस के सीक्वल्स के बारे में बात किया, और होप करता हूँ कि इन एनिमेस को लेकर आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। इसलिए अब आप लोगों को नेक्स्ट कौन से एनिमे के सीक्वल के बारे में जानना है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा होगा, तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और साथ में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।